का राशिया हृदय चिताए धृत का कर महा महामारी प्रचंड हो फैल रही थी इधर उधर क्षीण कंठ वित्वत्साओं का करुण रुदन दुर्दांत नितांत भरे हुए था निज कृष्ण रोग में हाहाकार अपार अशांत बहुत रोकता था सुखिया को न जा खेलने को बाहर नहीं खेलना रुकता उसका नहीं ठहरती वो पल भर मेरा हृदय कांप उठता था बाहर गई निहार उसे यही मानता था कि बचा लू किसी भांति इस बार उसे भीतर जो डर रहा छिपाए हाय वही बाहर आया एक दिवस सुखिया के तनु को ताप तप्त मैंने पाया जबर से विवल हो बोली वह क्या जानू किस डर से डर मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर बेटी बतला तो तू मुझको किसने तुझे बताया यह किसके द्वारा कैसे तूने भाव अचानक पाया यह मैं अछूत हूँ मुझे कौन हा मंदिर में जाने देगा देवी का प्रसाद ही मुझको कौन यहाँ लाने देगा बार बार फिर तेरा हाथ पूरा इससे करूँ कैसे किससे कहे कौन बतलावे धीरज हाय धरो कैसे कोमल कुसुम समान देहा तू ही तप्तंगार मई प्रतिपल बढ़ती ही जाती है विपुल वेदना व्यथा नई मैंने कई फूल ला लाकर रखे उसकी खटिया पर सोचा शांत करूं मैं उसको किसी तरह तो बहला कर तोड़ मोड़ वे फूल फेंक सब बोल उठी वह चिल्लाकर मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर क्रमशः कंठ क्षीण हो आया शिथिल हुए अवयव सारे बैठा था नव नव उपाय की चिंता में मैं मन मारे जान सका न प्रभात सजग से तू ही अलस कब दोपहरी स्वर्ण घनों में कब रवि डूबा कब आई संध्या गहरी सभी ओर दिखलाई दी बस अंधकार की छाया गहरी जो बच्ची को ग्रसने कितना बड़ा तिमिर आया ऊपर विस्तृत महाकाश में जलते से अंगारों से झुल जाती थी आंखें जगमग जगते तारों से देख रहा था जो सुस्थिर हो नहीं बैठती थी क्षण भर हाय वही चुपचाप पड़ी थी अटल शांति सी धारण कर सुनना वही चाहता था मैं उसे स्वयं ही उकसा कर मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर हे मात हे शिवे अंबिके तप्त ताप यह शांत करो निरपराध छोटी बच्ची यह हाय न मुझसे इसे हरो काली कांति पड़ गई इसकी हंसी न जाने गई कहा अटक रहे हैं प्राण क्षीण तार सांसों में ही हाय यहाँ अरे निष्ठुरे बड़ी हुई ही है यदि तेरी तृषा नितांत तो कर ले तू उसे इसी क्षण मेरे इस जीवन से शांत मैं अछूत हूं तो क्या मेरी विनती भी है हाय अपूत उससे भी क्या लग जाएगी तेरे श्री मंदिर को छूत किसे ज्ञात मेरी विनती वह पहुंची अथवा नहीं वहां उस अपार सागर का दिखा पार न मुझको कहीं वहां अरे रात क्या अक्षता का पत्ता लेकर आए तू आकर अखिल विश्व के ऊपर प्रलय घटा सी छाई तू पद भर भी न बढ़ी आगे तू डट कर बैठ गई ऐसी क्या न अरुण आभा जागेगी सहसा आज विकृति कैसी युग के युग से बीत गए हैं तो ज्यों के त्यों है लेटी परी एक करवट कब से तू बोल बोल कुछ तो बेटी वह चुप थी पर गूंज रही थी उसकी गिरा गगन भर भर मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल तुम दुला कर कुछ हो देवी के प्रसाद का एक फूल तो लाऊंगा हो तो प्रातःकाल शीघ्र ही मंदिर को मैं जाऊंगा तुझ पर देवी की छाया है और इष्ट है यही तुझे देखू देवी के मंदिर में रोक सकेगा कौन मुझे मेरे इस निश्चल निश्चय ने छत से हृदय किया हल्का ऊपर देखा अरुण राग से रंजित भाल नभस्थल का झर सी गई तारकावली थी मलान और निष्प्रभ होकर निकल पड़े थे खग नीलों से मानो सुध बुद्ध सी खोकर रस्सी डोल हाथ में लेकर निकट कुएं पर जा जल खींच मैंने स्नान किया शीतल हो सलिल सुधा से तनु को सींच उज्जवल वस्त्र पहन घर आकर अशुचि ग्लानी सब दो डाली चंदन पुष्प कपूर धूप से सजली पूजा की थाली सुखिया के सिरहाने जाकर मैं धीरे से खड़ा हुआ आंखें छापी हुई थी मुख भी मुरझा सा था पड़ा हुआ मैंने चाहा उसे चूम ले
किंतु अशुचिता से डर कर अपने वस्त्र संभाल सिकुड़ कर खड़ा रहा कुछ दूरी पर। वह कुछ कुछ मुस्काए सहसा जाने किन स्वप्नों में लग्न। उसकी वह मुस्काहट भी हा कर न सकी मुझको मुद मग्न। अक्षम मुझे समझकर क्या तू हंसी कर रही है मेरी बेटी। जाता हूँ मंदिर में आज्ञा यही समझ तेरी। उसने नहीं कहा कुछ मैं ही बोल उठा तब धीरज धर। तुझको देवी के प्रसाद का एक फूल तो दोन लाकर ऊंचे शहर शिखर के ऊपर। मंदिर था विस्तीर्ण विशाल स्वर्ण कलश सरसिज विहसित थे पाकर समुदित रवि कर जाल। परिक्रमा सी कर मंदिर की ऊपर से आकर झरझर वहां एक झरना झरता था। कल कल मधुर गान कर कर पुष्पहार सा जचता था वह। मंदिर के श्री चरणों में त्रुटि ना दिखती थी भीतर भी। पूजा के उपकरणों में दीप दूध से आमोदित था। मंदिर का आंगन सारा गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा। भक्त वृंद मृदु मधुर कंठ से गाते थे सभक्ति मुदमय। पतित तारिणी पाप हारिणी माता तेरी जय जय जय। पतित तारिणी तेरी जय जय। मेरे मुख से भी निकला बिना बड़े ही मैं आगे को जाने किस बल से दिखला। माता तुम इतनी सुंदर है नहीं जानता था मैं यह। माँ के पास रूप बच्चों की कैसी विधि यह तू ही कह। आज स्वयं अपने निर्देश से तूने मुझे बुलाया है तभी आज पापी अछूती है श्री चरणों तक आया है। मेरे दीप फूल लेकर वे अम्बा को अर्पित करके दिया पुजारी ने प्रसाद जब आगे को अंजलि भर के भूल गया उसका लेना झट। परम लाभ सा पाकर मैं सोचा बेटी को माँ के ये पुण्य पुष्प दून जाकर मैं सिंहपौर तक भी आंगन से नहीं पहुंचने मैं पाया। सहसा यह सुन पा कि कैसे यह अछूत भीतर आया। पकड़ो देखो भाग ना जावे बना धूर्त यह है कैसा। साफ स्वच्छ परिधान किए है भले मानुषों जैसा। पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी। कुंशित कर दी है मंदिर की चिरकालिक शुचिता सारी। एक क्या मेरा कलुष बड़ा है देवी की गरिमा से भी किसी बात में हूं मैं आगे। माता की महिमा से भी माँ के भक्त हुए तुम कैसे करके यह विचार खोटा। माँ से सम्मुख ही माँ का तुम गौरव करते हो छोटा। कुछ न सुना भक्तों ने झट से मुझे घेर कर पकड़ लिया मार मार कर मुके घूसे धर्म से नीचे गिरा दिया। मेरे हाथों से प्रसाद भी बिखर गया हा सब का सब। हाय अभागी बेटी तुझ तक कैसे पहुंच सके ये हब। मैंने उनसे कहा दंड दो मुझे मार कर टुकड़ा कर बस यह एक फूल कोई भी दो। बच्ची को ले जाकर न्यायालय ले गए मुझे वे 7 दिवस का दंड विधान। मुझको हुआ था मुझसे देवी का महान अपमान। मैंने स्वीकृत किया दंड वह शीश झुकाकर चुप ही रह उस असीम अभियुक्त दोष का क्या उत्तर देता क्या कह। 7 रोज ही रहा जेल में यह कि वहां सदिया भी थी। अब इस शांत बरसा करके भी आंखें तनिक नहीं रीती। कैदी कहते अरे मूर्ख क्यों ममता थी मंदिर पर ही पास वहां मस्जिद भी तो थी। दूर न था गिरजाघर भी कैसे उनको समझाता मैं। वहां गया था क्या सुख से देवी का प्रसाद चाहा था। बेटी ने अपने मुख से दंड बोक कर जब मैं छूटा पैर न उठते थे घर को पीछे ठेल रहा था कोई भय जर्जर तनु पंज को। पहले की सी लेने मुझको नहीं दौड़ कर आए वह उलझी हुई खेल में ही हा अब की दी न दिखाए वह उसे देखने मरघट को ही गया दौड़ता हुआ वहां। मेरे परिचित बंधु प्रथम ही फूक चुके थे उसे जहां बुझी पड़ी थी चिता वहां पर छाती धधक उठी मेरी। हाय फूल सी कोमल बच्ची तू ही राख की थी ढेरी। अंतिम बार गोद में बेटी तुझको ले न सका मैं हाय। एक फूल माँ का प्रसाद भी तुझको दे न सका मैं हा वह प्रसाद देकर ही तुझको जेल न जा सकता था क्या। तनिक ठहर ही सब जन्मों के दंड न पा सकता था क्या। बेटी की छोटी इच्छा वह कहीं पूर्ण मैं कर देता।
तो क्या अरे देव त्रिभुवन का सभी विभव मैं हर लेता, यही पर धर दूंगा मैं कोई। अरे सुनो वर दो मुझको देवी के प्रसाद का, एक फूल ही ला।